खबर पटना से है, जहां सिरफिरे युवक ने एक ट्रैफिक दरोगा की जमकर पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे दो अन्य जवानों को भी चोटें आई हैं, जबकि ट्रैफिक दरोगा का सिर फट गया। कोतवाली थाने की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। पटना विमेंस कॉलेज मोड़ के पास की एक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर ट्रैफिक दरोगा वज्रेश सिंह पटना विमेंस कॉलेज मोड़ पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। इसी दौरान युवक से उसकी बकचक शुरू हो गई। युवक ने रॉड से एसआई बजरेश सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। चेक पोस्ट पर तैनात दो अन्य जवानों ने जब युवक को रोकने की कोशिश की, तो उसने उन दोनों जवानों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे थाने ले गई है, जहाँ उसे कड़ी पूछताछ जारी है। हमारे पास ना रहने का है ना खाने का है, और ये बात जानते हुए भी हमको बोलते हैं घर चले जाओ। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा केस दायर किया हुआ है। तुम ऐसे मारोगे तो हम कितना चार बर्दे किए, ब्लेड मरवाया है, ब्लेड मारा हुआ है, बोतल फोड़ के मारे हैं, काहे मारे हैं? अब वो मारे हैं तो वो ना बताएंगे, कौन तो मारे हैं तो हम मारे हैं, कौन है तुम्हारे? ये हमारे कोई नहीं लगता, फिर ऐसे मार देगा कोई? फिर ये हम क्यों मारते हैं? ये नौवा बार है। पुलिस वही जहाँ स्टैंड है ना, वही जाते हैं। करते क्या हो? कोई काम नहीं है मेरे पास, ना रहने का है ना खाने का है। नाम बताओ। रंजीत कुमार। स्कूल का छुट्टी हुआ था, जाम छुड़ा रहे थे, उसी में इसको भी उधर था, उसको हटाने के लिए तो बोले तो हटाने, इसके बाद लाठी चला दिया। कहाँ पे? यहाँ हाई कोर्ट के पास, बेली बोरी रोड क्रॉसिंग पर। तीन चार लाठी ताबड़तोड़ चला दिया, सर फट गया। वहीं था, खब हमेशा बैठा रहता, वहीं रहता है। ये अकेला था, इसके साथ कोई नहीं। आया लाठी चलाने में। आपसे किसी तरह नंबर मत लेना जी। नहीं, आपका नहीं ले रहे हैं भैया। सर नंबर आपका ले रहा है, कब हो गया? हाँ नाम मांगो ना। अरे हमारे मुंशिया के बोलो नाम देगा। लोग पुलिस वाला पकड़ेगा, अब पब्लिक भी पकड़ेगा। जाम हाँ। कितने बजे की घटना है सर? ये 11 बजे के लगभग की होगी। अभी लोहा बांध ले है उसमें, अलग ही औजार बनाए हुए। अभी लोहा बांध ले है उसमें, अलग ही औजार बनाए हुए।